श्री राम समर्थ अगस्त पार्श। देह ही मैं हूं यह भ्रम है। व्यवहार में जैसे यह ज्ञात होना जरूरी होता है कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, उसी प्रकार परमार्थ में भी मैं कौन हूं यह समझना चाहिए। जिसे मैं मेरा समझता हूं वह निश्चय ही मैं नहीं हूं। जब हम यह कहते हैं कि मेरी देह, तब क्या मैं उससे अलग नहीं हूं? देह को बुखार आया तो मुझे बुखार आया, देह दुबला पतला हुआ तो मैं दुबला पतला हुआ, ऐसा कहते हैं। यही गलती है और यही भ्रम भी है। वस्तुतः मैं देह से अलग होते हुए भी देह ही मैं, ऐसी भावना की गई, इसलिए मैं सुख दुख भुगतने लगा। दुख नहीं सुख चाहिए ऐसा मुझे लगता है। इसका मतलब मेरा मूल स्वरूप नित्य सुख रूप होना चाहिए। नदी का पानी और वहीं से लिया गया गिलास में भरा पानी दोनों एक ही हैं, किंतु गिलास के भीतर के पानी का स्वाद अगर नदी के पानी से अलग लगता हो तो गिलास में कुछ गंदगी थी, यह हम समझते हैं। वैसे ही जब आत्मा नित्य सुखरूप है तो उसका जो अंश जीव है वह भी सुखरूप ही होगा, लेकिन वह दुख रूप हुआ क्योंकि देह की संगति उसे लग गई। कोई पेड़ उखाड़ना हो और वह पुनः विकसित न हो ऐसी इच्छा हो तो उसके पत्ते काटने से पेड़ नहीं उखड़ेगा, उसकी जड़ को पानी देना बंद करना चाहिए। उसी प्रकार गृहस्थी रूपी वृक्ष को हमने अभिमान रूपी जल से बहुत पुष्ट किया है, उस अभिमान को नष्ट करना चाहिए। मैंने कर्म किया भ्रम का त्याग करना चाहिए। सच्चा कर्ता ईश्वर है, फिर भी जीव अहंकार से मैं करता हूँ ऐसा मानता है। अपनी ओर कर्तृत्व का अभिमान ग्रहण करने से जीव सुख दुख भोगता है। सच्ची उपासना यही है कि मैं करता नहीं हूँ, राम करता है मानना और उसे बढ़ाना। अपने जीवन में जो सुख दुख की बातें घटती हैं, वे सब भगवान की इच्छा से ही घटते हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास होने से सुख दुख बचता ही नहीं। जिसकी ऐसी निष्ठा होती है उसका तेज कुछ और ही होता है। ऐसे मनुष्य को अचल समाधान प्राप्त होता है। प्रत्युत इसे ही साधुत्व का लक्षण माने। यह लक्षण हम में उतरे इसलिए साधन की सब कोशिश की जाती है। सत्य मानो, मैं आपसे पुनः कहता हूँ कि निरंतर नाम जपते रहो, नीति से आचरण करो, उसी से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। परमार्थ में नीति को, शुद्ध आचरण को बहुत महत्व है। जो शुद्ध भाव और मन से परमेश्वर का चिंतन करता है, नामस्मरण करता है, उसकी सहायता के लिए परमेश्वर सदा तत्पर होता है। हम उस परमेश्वर की शरण जाएं और उससे नाम का प्रेम मांगे। विश्वास करो कि दीन दयाल भक्त वत्सल परमात्मा कृपा की वर्षा करेगा। आज का मुख्य विचार, नामस्मरण समझ बूझ कर करे। समझ कर का मतलब राम करता है, यह भावना दृढ़ रख कर करे। गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.